Hello kids, this is mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by Brain Road, Class 4. So today we are doing Chapter 8, AI Enabled Applications and Chatbot. Means AI means Artificial Intelligence. So you have done earlier in your previous class. So in this chapter, we will learn about Google Lens, Gmail, Google Search, recommendations in apps, navigation, chatbot, and famous chatbots. So, before we begin, find out the names of any 8 AI enabled devices and write them in the space given below. अब जो artificial intelligence है, आप देख सकते हैं हमारी daily life में it's very important. We can see so many devices like smart cars. आपके पास क्या है स्मार्ट कार्स आपने देखा होगा इट ऑल्सो वर्क्स अकॉर्डिंग टू AI हमारे फोन्स हैं मोबाइल फोन्स एंड्रॉयड और एप्पल जो भी हैं दीज आर बेस्ड ऑन AI सेम आपके पास क्या है गूगल ये भी क्या है AI पे बेस्ड है जो भी हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या डिज्नी हॉटस्टार जो भी आपकी ऐप्स हैं दीज ऑल आर AI बेस्ड हमारी जो बैंकिंग है ई बैंकिंग ये भी क्या है AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक आप आजकल देखते हैं फ़ोन में लोग जो अपना लॉक लगाते हैं आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को कई बार हम अपने फेस रिकग्नाइजेशन से एप्पल आईफोन में उसमें क्या होता है फेस अगर आपका फेस होगा सामने देन फोन विल ओपन अदरवाइज इट विल नॉट वर्क तो ये भी क्या है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन आर डेली लाइफ सो लाइक बैंकिंग हो गया आपका आपका हो गया ये गूगल मैप नेविगेशन के लिए जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन मीन्स मैपिंग अगर हमें कहीं जाना है तो हम गूगल मैप यूज़ कर लेते हैं वी कैन सर्च आर वे कि हम कहीं राइट वे में जा रहे हैं या रॉन्ग वे में जा रहे हैं सो दैट इज़ नेविगेशन सो देर आर सो मैनी डिवाइसेज इन विच वी आर यूजिंग AI ओके सो लेट्स स्टार्ट AI इज अ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इट्स पॉपुलरिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे लाइक अदर टेक्नोलॉजीज There are numerous AI-enabled applications that you use on a daily basis. Let us discuss them in detail. This is the Google Lens. So, Google Lens. It is an image recognition tool developed by Google. It lets you search for what you see. It uses visual analysis powered by the neural network to bring up information related to an object. अब हम कहीं जा रहे हैं हम ऑन द वे हैं हमें कोई साइन बोर्ड दिखता है डिफरेंट लैंग्वेज में या हम एब्रॉड जाते हैं या डिफरेंट स्टेट में जाते हैं वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं गूगल लेंस उसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट वॉट इज दिस ओके तो इतनी टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप्ड है सो अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट हैज़ मल्टीपल लेयर्स इसमें क्या है मल्टीपल लेयर्स हैं इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लाइक द न्यूरॉन्स इन आर ब्रेन जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है इसमें न्यूरॉन्स होते हैं हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है हमें खाना कैसे है वी नो पहले हमें अपना बाइट लेनी है फिर उसको यूज़ करना है सो दैट इज़ वॉट मीन्स आर ब्रेन इज़ वर्किंग वी नो वॉट टू डू तो सेम ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है एक न्यूरल नेटवर्क है जो मल्टीपल लेयर्स का है वो पहले उसको समझता है फिर प्रोसेस करता है देन वॉट टू डू सो लाइक दिस मतलब थिंकिंग है सेम एज human beings right so now application of google lens ab iske use kahan par hai the following are various application of google lens text translation by using google lens you can translate the text to the language of your choice in real time suppose aapne koi bhi word usko aapne chinese language mein ya usko spanish mein ya french mein seekhna hai ya bolna hai
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, देन यू विल फाइंड आउट योर आंसर विद इन सेकेंड्स. ओके, सो द नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशन फीचर ऑफ गूगल लेंस इज हेल्पफुल व्हेन यू फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट. आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया है, देन यू कैन यूज़ इट. Like signboards on the road which are written in a language that you cannot speak or understand, as I told you. This is the type of situation you mostly face when you go abroad. Here Google Lens comes as a handy tool. You can place your phone on the text and translate the selected words into any language within a matter of few seconds. And Google Lens can make your language and communication easier. आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से कुछ बात करनी है, तो Google Lens जो है इट विल मेक इट वेरी ईजी. आप आराम से बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, सो हेयर लाइक दे हैव शोन अस Google Lens. आपने कुछ भी टाइप किया है, सो दे कैन गिव यू आंसर लाइक दिस, राइट. सो हेयर इज ऑल्सो वन पिक्चर, वी कैन टॉक अबाउट दिस नाउ. स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन, यू कैन पॉइंट योर स्मार्टफोन्स कैमरा एट ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, हाईलाइट इट विद इन द गूगल लेंस एंड कॉपी इट टू योर फोन और सर्च फॉर द सेम. आप क्या कर सकते हैं, कुछ आपने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना है उसके बारे में, यू हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, तो आप अपने स्मार्टफोन में गूगल लेंस की हेल्प से उसको कॉपी करके देन यू कैन सर्च फॉर द सेम. ओके, जैसे इन्होंने यहाँ पे हमें शो किया हुआ है, सर्च कॉपी. ओके, यू आर हाईलाइटिंग दिस वन, तो यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल. So now search your surroundings. If you point your camera around you, Google Lens can identify your surroundings and provide information related to it. कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई आपने फ्लावर देखा है, you want to know the name of the flower. आपको अच्छा लगा कि आप इसका क्या नेम हो सकता है, कोई एनिमल है, ये क्या है, what is this? So कोई भी आपकी curiosity है, information you want to know, तो आप इसकी help से you can find out. Now, know the details of an image. You can capture a picture and use Google Lens to search for the information about the captured picture. For example, you can capture a picture of a monument that you want to visit and search for all the information related to it using Google Lens. In the same way, you can take a picture of the dress and search for that article while shopping. It is a helpful tool to get quick information about plants, flowers or other images. Kuch bhi aapne find karna hai, Google is always there. Okay, so assist in understanding concepts. If you find difficulty understanding any concept, just scan the text using Google Lens and it will provide you with all the information about the concept. हर टाइम, एवरी टाइम टीचर इज़ नॉट देयर, पेरेंट इज़ नॉट देयर, आपको कुछ सर्च करना है, कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप इसकी हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस टॉपिक को या कोई भी लैंग्वेज है, वॉट एवर यू वॉन्ट. सो यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गेट हेल्प विद मैथमेटिकल एंड केमिकल इक्वेशन एट्सेट्रा. कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कोई केमिकल इक्वेशन है, कोई साइंस का क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का है, हिस्ट्री का है, वॉट एवर द सब्जेक्ट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस गूगल, राइट. नाउ जीमेल, जीमेल यूजेज एआई टू फिल्टर योर ईमेल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक पर्सनल, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, स्पैम एट्सेट्रा. स्पैम क्या होता है, यू नो वेरी वेल, जैसे हमारे पास ऐसी कंपनी के कॉल्स आते हैं जिन अननोन, so that is spam or junk. So working in the background, AI scans the email received in your account and transfers them into the correct folder category. AI क्या करता है, जो भी हमारे पास emails आते हैं, जो भी messages आते हैं, उनको उनकी different category के according group में divide कर देता है. So like here you can see, कभी आपने मम्मा या पापा का phone देखा होगा, तो उसमें
जीमेल आप देखना, उसमें जीमेल उसमें मेल्स होती हैं, सो लाइक दिस आपके पास, और उसमें डेट्स भी मेंशन होगी, राइट? सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. नाउ स्मार्ट रिप्लाई इन जीमेल. स्मार्ट रिप्लाई इज़ अ यूजफुल फीचर ऑफ जीमेल. इट यूजेस AI to scan received emails and suggest quick responses according to the test of those emails. To write an instant reply, the user simply has to click on the test suggestions displayed at the bottom of the email. Smart reply की help से हम easily reply कर सकते हैं according to जो भी हमारे पास mail आई है या हमें किसी को mail करना है, तो smart reply की help से हम we can do it easily. Okay, so now Google search. Google is widely used to search for information on the internet. Every time you search for something on Google, artificial intelligence is working behind the scenes to generate more relevant responses to your query. AI helps the Google search engine understand exactly what a user is searching for and then deliver personalized results based on what it knows about him or her. कोई भी हमें कुछ भी सर्च करना है किसी के बारे में भी, किसी प्लेस के बारे में, घूमने जाना है, वी कैन फाइंड आउट. गूगल सर्च पे हम उसको टाइप कर देंगे, लाइक इंडोनेशिया, इट इज़ विच टाइप ऑफ प्लेस, हमें यहाँ विजिट करना है, तो हम इंडोनेशिया टाइप करेंगे, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है AI जो है उसको हेल्प करेगा गूगल को, यानी AI हेल्प्स द गूगल सर्च इंजन अंडरस्टैंड. उसको पहले समझाएगा कि व्हाट द यूज़र वांट्स. ओके, तो उसके हिसाब से वी विल गेट द रिस्पॉन्स विद इन फ्यू सेकेंड्स. सो लाइक दिस आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल में इन्होंने टाइप कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग and so many information, infinite you can say. उसके types क्या हैं, उसके uses क्या हैं, everything you can get it. Like artificial intelligence type क्या है, तो उसके बाद उसकी definition आ गई, उसका like उसको समझाया गया है कैसे ये use कर रहा है, कैसे work कर रहा है, आगे उसके क्या क्या components हैं, और आप क्या ask, और you can ask what, आप आगे क्या query कर सकते हैं, क्या question put up कर सकते हैं, everything is there, right? So recommendations in apps. Most of the streaming apps like Netflix, Disney Hotstar, YouTube, etc. use AI to recommend shows and movies based on the viewer choice. Various music apps like Spotify play music based on the user's listening habits. E-commerce apps like Amazon, Myntra, Flipkart also use AI for product रिकमेंडेशंस. आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे अमेजोन से या मियंत्रा से, एजियो, देर आर सो मैनी. तो आप कुछ भी करना चाहते हो, आप घर बैठे आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर की हेल्प से यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ AI, राइट? नेविगेशन. नाउ नेविगेशन ऐप्स लाइक गूगल मैप्स एंड एप्पल मैप्स यूज AI टू अपडेट अ कम्यूटर अबाउट ट्रैफिक कंजेशन in a particular area and about the estimated time to reach a particular destination. आजकल जब भी लोग कहीं travel करते हैं तो वो Google Map use करते हैं या Apple Map. उसमें क्या होता है, हम अपना destination जहाँ हमें जाना है या जहाँ से हम जा रहे हैं, दोनों type करके we can find out कि हम कितने time में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और कितना jam है रास्ते में, everything is clear or not. So everything is available on your phone. So while you are traveling in your car, AI calculates the average speed of your car and the distance between your current location and destination. देखो, इट्स अ टेक्निक. हमारी जो कार की स्पीड है उसे AI कैलकुलेट कर ले हमें कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन में जाने में. सो टू अपडेट यू अबाउट ट्रैफिक कंजेशन, इट टेक्स नोट ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस इन एन एरिया वेयर ट्रैफिक इज एक्सपेक्टेड एंड रिलेज द इंफॉर्मेशन ऑन योर मोबाइल ऐप. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ट्रैफिक कुछ भी है वो हमारे फ़ोन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो लाइक दिस ये मैप्स हैं, जैसे यहाँ पे गुड़गांव शो कर रहा है, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, लाइक दिस. ओके,
So the next is chatbot. In the AI world, we can interact with machines the same way we talk or converse in real time with other humans. जैसे हम अब आपस में चैटिंग करते हैं, ऐसे हम चैटबॉट की हेल्प से मशीन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. दिस हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज चैटबॉट. अ चैटबॉट ऑल्सो नोन एज अ बॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज ह्यूमन्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटिंग डिवाइसेस थ्रू वॉइस, टेक्स्ट, गेस्चर एंड टच. The chatbot works like your virtual assistant, answering your questions based on your inputs and performing the given task. For example, you can use the chatbot of a pizza company to order a pizza for you. So, Extra Bites, the first ever chatbot was developed by Joseph Weizenbaum, a German-American computer scientist at MIT's Artificial Intelligence Lab between 1964 and 1966, right? So, famous chatbot. With advanced AI solution, chatbots can talk like we do. In this section, you will learn about some AI chatbot that can talk like humans. These AI chatbots have won the famous Leibniz Award. Now, Extra Bites, the Leibniz Award is an honor in the field of AI based on the Turing test. The Turing test checks the capability of a chatbot application to think like a human. इसमें हम चेक कर सकते हैं, इस टेस्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वो जो चैटबॉट है कितना ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क, उसका जो ब्रेन है, ब्रेन कह लो मशीनरी है, ह्यूमन ब्रेन की तरह कितना वर्क कर सकती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑनर चैटबॉट इज गेटिंग लेबनॉन अवार्ड. ओके, सो नेक्स्ट इज Michiku. It is also known as Cookie, is one of the best AI chatbot that acts like your virtual friend. With Michiku, you can chat, hear stories or poems or draw or play games or surf web pages and picture. आप क्या क्या कर सकते हैं? चैटिंग, बातें कर सकते हैं, स्टोरीज सुन सकते हैं, पोएम सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और वेब पेजेस एंड पिक्चर में सर्फिंग कर सकते हैं, उनको सर्च भी कर सकते हैं. सो लाइक दिस, दिस इज, इट इज़ गिवन लाइक दिस, हेयर इट इज़ रिटन कुकी द शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे आपके पास जो भी कॉन्वर्सेशन है वो आ जाएगी. ओके, सो द नेक्स्ट इज रेप्लिका. रेप्लिका इज अ फ्रेंडली चैटबॉट विद हुम यू कैन कनेक्ट इमोशनली and talk like a private friend. You can use the Replica chatbot whenever you feel bored or want to have some fun with it. Like अपने friend के साथ हम fun करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, the same way हम Replica को use कर सकते हैं. Okay, so like this. So this is the conversation, it is given here. तो जो भी आपने अपना, like you are getting bored, तो अपना time pass के लिए you can use this chatbot. The next is Andy, an English speaking bot. It is very useful for you. काफ़ी useful है आपके लिए, English speaking bot है. Andy chatbot is designed to teach English conversation. Andy can be your best friend if you want to learn English grammar and new words daily. It's very useful. और हमें use करना भी चाहिए because हमारी knowledge को enhance करने के लिए this is very good. So though it is paid chatbot, it is considered one of the most effective chatbots to develop English speaking skills. अगर कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को अपनी English improve करनी है तो वी कैन यूज़ दिस वन. सो यूजिंग दिस चैटबॉट यू कैन स्टडी द इंग्लिश लैंग्वेज इन अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल. कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, आप इसके थ्रू लर्न कर सकते हैं. इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स विद द हेल्प ऑफ ऑडियो मैसेजेस. इसमें ऑडियो मैसेज भी आते हैं, आप अपनी लिसनिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. लर्न न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स विद द हेल्प ऑफ फन गेम्स. इसमें फन गेम्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी ग्रामर
लर्न कर सकते हैं. एंड एंडी एक्सप्लेन्स द करेक्ट आंसर विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन व्हेन यू मेक अ मिस्टेक इन एनी फन गेम. सपोज आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज द मिस्टेक, राइट. सो लाइक दिस हियर इट इज गिवन, आई एम एंडी, आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस योर इंग्लिश. सो ऐसे हम कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज Domino's Pizza Board. Nowadays, customers can order their food without making a single phone call, all thanks to customer service chatbot. Domino's has launched a new chatbot called Dom on Facebook Messenger. Dom chatbot lets you order your favorite pizza with a single word. Like here, you can see Dom the Pizza Board. Okay, आप एक बिना कॉल के भी सिंपली इसको यूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. फाइन. नाउ Mondly, दिस इज लर्निंग बॉट, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इट इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट फोकस ऑन इंट्रैक्टिव ऑनलाइन लेसन्स. द चैटबॉट एनकरेजेस यूजर टू प्रैक्टिस इंग्लिश, स्पैनिश, जर्मन और फ्रेंच. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नाउ डेज. अगर आपको ये सीखनी है तो आप इस बॉट के थ्रू लर्न कुछ भी सीख सकते हैं. ओके, तो आपके पास आप कौन कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हैं इसमें? इंग्लिश, स्पैनिश, जर्मन और फ्रेंच. इट इज़ लाइक दिस. आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस टाइप में व्यू आ जाएगा. ओके, Here join over 110 million people learning 41 languages. So कोई भी language आप सीखना चाहते हैं then you can use it. So now computer manner. Do not play games for long hours on a computer. It is very harmful for your eyes. Try to play outdoor games with your friends to remain fit and healthy. आपको फिट एंड हेल्दी रहने के लिए आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, ना कि कंप्यूटर गेम्स, बिकॉज यू नो It is not good for eyes, right? So let us rewind. Google Lens is an image recognition tool developed by Google. It lets you search for what you see. It uses visual analysis powered by the neural network to bring up information related to an object. Smart Reply is a useful feature of Gmail. It uses AI to scan received emails and suggest quick responses according to the taste of those emails. Google is widely used to search for information on the internet. Every time you search for something on Google, artificial intelligence is working behind the scenes to generate more relevant responses to your query. तो उसके पीछे कौन work करता है? AI, artificial intelligence. AI helps the Google search engine understand exactly what a user is searching for and then deliver personalized results based on what it knows about him or her. A chatbot is a software or computer program that simulates human conversation or chatter through text, voice interactions. Now the next is Apple Siri's, Amazon's Alexa and Google's Google Assistant are a few examples of chatbot. Okay, I hope it's clear to you. Now we are doing exercise. Check yourself. A part, take the correct option. The first one, Dash is a navigation app. Which one? Google Map. Google Map ke through hum kahin bhi jana chahein, we can use it. Then the second one, Dash Apps provides movie recommendation as per your choice. Movie हम कहाँ पे देख सकते हैं? Netflix पे. The third one, which of the following is used in chatbot to interact with computing devices? Voice, text, gesture, all of the above. Okay? The fourth one, which of the following is a language learning platform that focus on interactive online lesson? हम language कहाँ से लर्न कर सकते हैं? तो दैट इज Mondly. ओके, इट्स वेरी गुड. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. बी पार्ट, डैश इज एन इमेज रिकग्नाइजेशन टूल दैट इज गूगल लेंस. यहाँ से हम इमेज रिकग्नाइज कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज यूजिंग AI, द डैश फीचर ऑफ Gmail scans द रिसीव्ड ईमेल एंड सजेस्ट
क्विक रिप्लाई, दैट इज स्मार्ट रिप्लाई. द थर्ड वन द डैश चैटबॉट एनकरेजेस यूजर टू प्रैक्टिस इंग्लिश, स्पैनिश, जर्मन और फ्रेंच, दैट इज मोंडले. एंड द फोर्थ वन डैश इज डिजाइन टू टीच इंग्लिश, दैट इज एंडी. ओके, नाउ सी पार्ट राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स. नाउ द फर्स्ट वन, गूगल लेंस कैनॉट हेल्प यू आइडेंटिफाई द इमेजेस. नो, दिस इज फॉल्स. The second one, a neural network is a computer architecture that has multiple layers. Yes, this is true. The third one, a chatbot can act like your virtual friend. Yes, this is true. And the fourth one, ND chatbot is designed to teach English conversationally. Yes, this is also true. Now the D part answer these questions. What is Google Lens? It helps us to identify the images. It is an image recognition tool. With the help of Google Lens, we can find about any object, any text. Okay, so you can write about the Google Lens. The second one, write any two use of Google Lens. So with the help of Google Lens, we can recognize any object, any signboard, any language. Okay. Now third one, what is a chatbot? We have done. It is a virtual friend. By using this, we can learn languages. We can learn English, French. There are so many chatbots which are very helpful. So you can write about it. And the fourth one, name any four chatbot. Like one is Andy is here. Then the second one is Mondly, which is helpful for four language like English, Spanish, German, French, and Andy is helpful in English. And there are so many like Domino's. So you can write about these chatbots. So I hope it's clear to you. When you will go through this chapter, aap ek baar fir isko padhna, iski videos dekhna, you will get it. Practically karenge, you will get the more knowledge. Okay, and I think it's very important for you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.